व्हाट्स अप गाइस, जिस तरह मैंने एक लाइव सेशन किया था मेरे इंस्टाग्राम पे और मुझे अक्षय कोलाटकर और मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स ने मुझे बोला था बताने कि किस तरह रमज़ान में वर्कआउट करते हैं, किस तरह रमज़ान में डाइट मेंटेन कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा छोटा सा व्लॉग बनाऊं। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, तो अगर कुछ गलतियाँ हो या मैं कुछ गलत बोल दूँ या बोलने में कभी बबड़ा जाऊँ तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, उसका फ़न मत बनाना। तो सिंपल है, आज है, व्हाट इज़ द डेट टुडे, डेट इज़ आई बिलीव 19th रोज़ा है, मुझे इतना पता है। डेट इज़ 15th of June, टाइम हो रहे 7:06 और हम लोग जा रहे हैं मेरे इफ्तार की जगह पे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई लाइक टू डू इफ्तारी। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग रोज़ा रखते हैं तो जो फास्ट ओपन करते हैं उसको कहते हैं इफ्तारी। तो मैं प्रेफर करता इफ्तारी करना या तो घर पे या तो फिर मेरे फेवरेट जगह पे, विच इज़ फिट फूड ट्रक। तो आज आपको बताएंगे कि मैं एक्चुअल इफ्तार में क्या खाता हूँ। हाँ, ये आज का होगा, एवरी डे इज़ डिफरेंट, बट मैं उसमें ऑप्शंस भी बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो उसमें। सेकेंडली, मैं आपको पूरे मील्स बताऊंगा कि आज मैं पूरे मील्स क्या खाने वाला हूँ, क्या नहीं खाने वाला हूँ और किस तरह मैं अपने 6 मील्स कंप्लीट करने वाला हूँ। दैट्स इट। और यही है, काफ़ी सारे लोगों से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर आप रमज़ान में कैसे कर लेते हो, सर रमज़ान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट ईजी। जस्ट आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, इंटरचेंज जिसे बोलते हैं, जैसे कि आपने दिन को रात बना लिया, रात को दिन बना लिया। सो अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो एक डाइट प्लान के हिसाब से तो आपका मील नंबर 1 हो जाता है एट 7:15, 7:20 जब आप अपना रोज़ा खोलते हो। आपका मील नंबर 2 हो जाता है एट 9:30 अगर आप सेकेंड मील के बाद जिम कर रहे हो तो। अगर आप थर्ड मील के बात कर रहे हो तो, फर्स्ट मील के बात कर रहे हो, थर्ड मील की बात कर रहे हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आपका सेकेंड मील हो जाता है समवेयर अराउंड 9:30 और जो लोग प्रेयर करते हैं, नमाज करते, रिलीजियसली तरावी करते हैं, तो सबसे पहला मील 7:15, 7:20 को, सेकेंड मील नमाज से पहले समवेयर एट 9:00 एंड देन थर्ड मील आफ्टर नमाज, फोर्थ मील आफ्टर वर्कआउट, विच इज़ तो आफ्टर नमाज आपका यानी कि 10:30 to 11:00 तक नमाज ख़त्म हो जाता है। अच्छे से आप 11:00 मील खा के 12:00 वर्कआउट करना चालू किए तो आप 11:30 भी वर्कआउट करना चालू किए तो आपने 1:30 तक के वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, तो आपका 1:30 को मील हो गया, देन 3:30 को एक मील हो गया एंड 6:00 तो आपका फर्स्ट मील हो गया 7:15 को, देन एक नमाज के पहले, एक नमाज के बाद, एक वर्कआउट के बाद, एक 3:30 और एक 4:30, तो आपके 6 मील हो जाते। तो देर इज़ नो डिफ़िकल्टी आई बिलीव। हाँ, 6 मील में आपको ये देखना है कि आप किस तरह से, कितने डिफरेंट में आप रखते हो उसे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे पता है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू मील्स ऑल द टाइम सॉलिड मील, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, आई कीप माय मील्स से अबाउट, आई ट्राई टू कीप 4 मील्स सॉलिड, 2 मील्स लिक्विड। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा भी दिल नहीं करता है, मुझे भी ऐसा होता है नो यार आज ये हो गया, आज वो हो गया, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो मैं करता हूँ कि 3 मील्स मैंने सॉलिड कर लिए और 3 मील लिक्विड कर लिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं 4 मील सॉलिड कर लेता हूँ और 2 मील लिक्विड करता हूँ, उसमें 1 मील सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स रहता है, जो आज मैं आपको बताऊँगा। आज मैं एक मील करने वाला हूँ जो सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स है। तो दैट्स इट। और रही बात वर्कआउट की, तो लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है वर्कआउट किस तरह से करना चाहिए, कार्डियो कितना करना चाहिए। तो सिंपल है, आप 3 दिन वर्कआउट कर सकते हो अगर आप एथलीट हो, प्रो एथलीट हो, या यू आर अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर, कॉम्पिटिटिव फिजिक एथलीट और एनी डिविजन यू कम्पीट इन, तो यू कैन, आई बिलीव यू कैन डू 4 टाइम्स ऑल्सो इन अ वीक एज पर योर रूटीन। बट मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल, इफ़ यू लुकिंग जस्ट टू कीप योर सेल्फ फिट एंड नॉट गेन अननेसेसरी फैट, सो 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हो आप, 2 से 3 दिन कार्डियो कर सकते हो और 1 दिन रेस्ट कर सकते हो, विच इज़ द सेम वे वी डू इन अ नॉर्मल डेज। बट रमज़ान में ऐसा है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस द टिप्स फॉर रमज़ान इज़ ऑलवेज यूज एटलीस्ट 1 to 2 सैचेट ऑफ इलेक्ट्रोल वाटर, विच इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज जब आप 14 hours, 15 hours का फास्ट रखते हो तो आपका जो इलेक्ट्रोल लेवल है वो बहुत कम जाता है, तो उससे आपको बहुत टाइम हेडेक होता है, सम टाइम यू फील अनइजी, तो दैट हेल्प्स यू लॉट ऑफ टाइम। सो मेक श्योर दैट यू टेक
इलेक्ट्रोल वाटर इन बिटवीन। एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इलेक्ट्रोल वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट के बीच में BCAA मिक्स करके पी लेता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा शुगर भी आ जाता है। सो दैट्स ऑल। एंड ट्रेनिंग के लिए आप रख सकते हो मॉडरेट इंटेंसिटी, डोंट गो टू हैवी, डोंट गो फॉर अंटिल अनलेस यू आर नॉट अ पावर लिफ्टर और अंटिल अनलेस यू आर नॉट अ कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर, आपका एक महीने बाद शो है तो यू कैन कंटिन्यू, नो डाउट अबाउट इट। बट इफ यू जस्ट लुकिंग टू बी फिट एंड हेल्दी एंड यू नो जस्ट गोइंग जिम नॉट टू गेन अननेसेसरी फैट एंड मेंटेन वेट, सो मॉडरेट वेट एंड रेपिटेशंस अबाउट 15 to 20 विथ 3 days वेट ट्रेनिंग एंड 2 to 3 days कार्डियोज आर मोर देन इनफ, टेक अ रेस्ट, दैट्स ऑल। सो वी आर गोइंग फिट फूड ट्रैक। तो आ गए आज हम है, खाएंगे थोड़ा सा, टाइम हो गया रोज़ा खोलने का, बहुत भूख लग रही है यार, थोड़ा सा लो नहीं लग रहा अभी, देखना जैसे ही खाना अंदर जाता है तो कितना मस्त एनर्जी आती है, टोटली बिफोर आफ्टर वाला फेस हो जाएगा। तो आइए हम जाते हैं फिट फूड ट्रैक। यू वांट टू शो समथिंग किस तरह खाना बनता है फिट फूड ट्रैक। मील नंबर 1, पहले रोज़ा खोलेंगे खजूर से। और फिर फिट फूड ट्रक का स्पेशल शेक जो मेरे लिए स्पेशल बनता है, आप लोग भी अगर अंधेरी में रहते हो, मेगा मॉल में ये ट्रक है, आओ ट्राई करो, इट्स कॉल्ड स्पेशल रमजान शेक, इफ्तारी शेक सॉरी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, अमेजिंग है। और ये है मेरा मील नंबर 2 आज का, जो है चिकन बर्गर। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि अरे यार चिकन बर्गर खा रहा है बॉडी बनाने के लिए, बट बिलीव मी ये बहुत हेल्दी चिकन बर्गर है, होल व्हीट ब्रेड से बना हुआ है, इसमें लो फैट चीज़ है, और इसके अगर मैं कंटेंट बताऊँ आपको तो है समवेयर अराउंड 37 grams पॉइंट सम प्रोटीन एंड समवेयर अराउंड 25 or 28 gram 25 to 28 gram of carbs and around 8 to 12 gram of fat, which is good fat. So this is absolutely healthy meal. So this is basically my second meal. I take it as a snack pre-workout. ये हो रहे 7:45 और ये जा रहा है हमारा burger. Burger खा के आप king बन जाओगे, इसलिए burger king है ये. So this is healthiest burger ever I have been eaten. आप Amazing. Believe me, much better burger than McDonald's. Okay, so जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा meal 1 था, I started with dates and protein shake, special iftar shake by Fit Food Truck. फिर मैंने meal 2 में snack लिया, which I don't count as a meal 2 because उस दोनों को combination में मैं meal 1 ही करता हूँ। मेरा मील 2 है ये आज के लिए है, चिकन एंड राइस, यू कैन सी दैट। देन मील 3 इज फिश एंड राइस, प्रोबेबली दिस विल बी माय पोस्ट वर्कआउट। मील 4 इज अगेन चिकन एंड राइस, एंड देन मील 5 इज चिकन एंड राइस, सॉरी, सो मील 4 इज फिश एंड राइस, सो मील 3 एंड मील 4 इज फिश एंड राइस, मील 2 एंड मील 5 आर चिकन एंड राइस। And I showed you meal number 1, and when it comes to meal number 6, stay tuned.
खाना हो गया, थोड़ी एनर्जी लग रही है मेरे फेस पे, मैंने जैसे बताया था आपको बिफोर आफ्टर। तो अब मुझे जाना है मेरे हेयर स्टाइलिश के पास, बट आज बाल कटाने नहीं, आज हम जा रहे हैं मैनीक्योर एंड पेडीक्योर करने के लिए। तो अगर आपको मैं बताऊँ मेरी एक सबसे गंदी आदत, अगर आप मानना चाहो तो आज मैं कन्फेस करता हूँ कि मेरी एक गंदी आदत है, मुझे नाखून काटने से बहुत एलर्जी है, तो मैं नाखून नहीं काटता, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आई नो इट्स वेरी बैड थिंग, मुझे भी नहीं पसंद है, बट मुझे प्रॉब्लम वो काटने में बहुत कंटाला आता है। तो नाउ आज जैसे कि वो काफ़ी बड़े हो गए, तो आज हम जा रहे हैं मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त के सैलून, जहाँ पे जो मेरा हेयर स्टाइलिश है काफ़ी सालों से, और उसके सैलून में आज हम करेंगे मैनीक्योर एंड पेडीक्योर, एंड वी आर हियर। We just finished with pampering like a girl, manicure and pedicure. देखो कितना सुंदर लग रहे हैं अभी, and फिर साथ साथ में नमाज का वक्त हो रहा था, तो मैंने सोचा नमाज भी पढ़ ली जाए। तो मैंने अगर नमाज का जिक्र किया है इस वीडियो में, तो इसलिए नहीं कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दिस, बट मेरे हिसाब से एवरी रिलीजन हैज़ देयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेयर, और मेरा मानना ये कि हर इंसान को अपने रिलीजन के मुताबिक, अपने रिलीजन के हिसाब से उसे एवरी प्रेयर करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं नहीं बोलता मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ जितनी हो सकती है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि मैं नमाज पढ़ सकूँ। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो आप जी रहे हो आज, जो आपको ज़िंदगी मिली है, जो आपको अच्छा खाना मिला है, अच्छी गाड़ी मिली है, अच्छा घर मिला है, और जो भी आपको इज्जत मिली है, वो सब दी हुई उसी की है, तो उसका थैंक वी शुड थैंक हिम। सो आई फील एवरी वन शुड डू प्रेयर, एंड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वर्शिप, इसलिए वर्क के साथ साथ वर्शिप भी ज़रूरी है। तो अगर मैंने जिक्र किया है तो ये एक व्लॉग है, अगर व्लॉग का एक छोटा हिस्सा देखो तो व्लॉग में मुझे आपको ये बताना है कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ, तो मैं जब तक कि व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं आपको पूरा A to Z बता रहा हूँ। सो अभी मैं एक कॉल का वेट कर रहा हूँ, मुझे एक कॉल आने वाला है, एंड उस कॉल के आने के बाद में आई एम गोना मीट वन पर्सन, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। मैं मेरे बहुत अजीज़ फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ कुछ वर्क रिलेटेड बात करने के लिए, एंड उसके बाद हम जाएंगे जिम और करेंगे वर्कआउट। सो इन बिटवीन मील टाइम होने वाला है बहुत जल्द, 9:15 हो गए, 9:30 को मेरा नेक्स्ट मील है, या तो मैं मीटिंग में बैठ के मील खाऊंगा या फिर मैं मीटिंग से पहले। तो मुझे कॉल आ गया है मेरे फ्रेंड का, जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, किधर आऊँ, ऑफिस पे आ जाऊँ? हाँ, मुझे वही ना ओबराय हाइट्स के बाजू वाली गली से ना, ठीक है मैं पहुँच जाता हूँ आपके ऑफिस के बाहर, मिलता हूँ। ओके भाई। तो जैसे कि आपने देखा मैं उनकी ऑफिस जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कॉल आने वाला है, उनके ऑफिस में जाएंगे, मीटिंग करेंगे। अगर वो मेरे से पहले पहुँच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुँचे तो मैं उनसे पहले पहुँचूँगा और मैं गाड़ी में बैठ के मील खाऊँगा, बिकॉज यू शुड नेवर स्कीप योर मील। What time is it? It's a meal time. Meal number 2. And it's 9:30. Eat to grow. Not bad. Ready to go. So, just done with my meeting. And now we are on the way to temple. I mean gym, yes. मैंने अभी अभी मीटिंग ख़त्म करी है और हम जा रहे हैं फाइनली जिम में। आज हम जाएंगे बॉडी हॉलिक्स,
मेरे पहले कोच का जिम है वो, मिस्टर अब्बास अली, ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर। तो आपसे होगी मुलाकात जिम में। इससे पहले कि आज के समाचार ख़त्म हो, हमने आपको बता दिया कि हमने आज बाइसेप ट्राइसेप ट्रेनिंग की है और ये मील है मील नंबर 3, जो अभी टाइमिंग है 11:30। टाइमिंग के हिसाब से हर 2 घंटे में हम एक मील खा रहे हैं। तो अभी मील नंबर 3 है फिश एंड राइस, जैसे कि आप देख सकते हो, विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय फिट फूड ट्रक। सो मील नंबर 3 होएगा 11:30, देन मील नंबर 4 होएगा 1:30, देन मील नंबर 5 होगा अराउंड 3 o'clock, एंड मील नंबर 6 होगा एट 4:20। सो बाकी के 5 मील तक तो आपने मुझे देख ही लिया है। मेरा 6th मील है केसिन प्रोटीन। सो मैं 6th मील में एक स्कूप केसिन लेता हूँ और थोड़े से आलमंड खा लेता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ माई रूटीन और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग सीख के आपको वी लॉगिंग के कुछ वीडियोस दे सकूँ, कुछ मेरे बारे में बता सकूँ, कुछ लाइफस्टाइल मैं जो करता हूँ, जीता हूँ, या मैं जो भी जिम में बाहर जैसा भी करता हूँ, तो जो जो हाइलाइट्स है पूरे दिन की वो मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई लव यू ऑल। स्टे ट्यून्ड।